किसी एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। एक लड़की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले एक महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया, 10 दिन पहले कॉम्पिटिशन से उसका वेट देखा गया है, वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ इस चीज को लेके? मैंने उस कोच को क्लियर बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। और बतौर भारतीय स्पोर्ट्स के लवर, आपको हमेशा एक चीज जहन में होती है जब टीम अनाउंस होती है ओलंपिक्स के लिए और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्टिंग डिसिप्लिन की टीमें जो होती हैं भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में रवाना होती है, हर ओलंपिक्स में ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसको आप चूज करके बैठे होते हैं बतौर खिलाड़ी कि इस स्पोर्ट से तो डेफिनेटली भारत मेडल जीतेगा। उसमें से एक स्पोर्ट है बैडमिंटन और दूसरा स्पोर्ट है रेसलिंग। रेसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो रेसलिंग ने भारत को काफी सफलता दिलाई है ओलंपिक्स जैसे पटल पे, क्योंकि ये हमेशा रहा है कंसेक्यूटिव बेसिस पे। अगर आप लास्ट कुछ एडिशन ऑफ ओलंपिक्स के देखेंगे कि भारत ने डेफिनेटली मेडल जीता है रेसलिंग के खेल में। लेकिन इस वक्त जो है रेसलिंग, वो एक अखाड़ा तो होता है जो अखाड़े में रेसलिंग की जाती है, लेकिन अखाड़ा इस वक्त एक अलग तरीके का बन गया है। तो पूरी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 102 दिन में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी अलग अलग मीडियाज़ पर वायरल हो रही है। और ख़बर यह है कि दिल्ली के जो जंतर मंतर है, बुधवार को ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सभी को चौंका दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े पहलवान को हराने वाले जो रेसलर्स रहे भारत के, करीब 30 रेसलर्स जो है धरना देने के लिए जुट गए हैं वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों के आंखों में बड़े आंसू थे और चेहरे पर काफ़ी नाराजगी थी। इन रेसलर्स के पास महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोपों की लंबी लिस्ट थी। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में मैं आपको बता देता हूँ कि ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक है, विनीश फोकाट है, सरिता मोर है, सुमित मलिक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उधर बृजभूषण सरन सिंह जो हैं उनका ये कहना है कि अगर पहलवान जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अगर वो सही हुए तो वो फांसी पर लटकने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ओपन हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पूरा मामला मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रेसलर्स ने और अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए हैं जैसे मैंने कुछ आरोप आपको बताए हैं। तो इस मामले पर अब संज्ञान लिया है खेल मंत्रालय ने, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमारी। उसने कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनको एक लेटर लिखा है, उससे जवाब मांगा है 72 घंटे के अंदर। और मंत्रालय का यह कहना है कि जो मामला है वो एथलीट की भलाई से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मंत्रालय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि 18 जनवरी से कैंप होना था लखनऊ में वुमेन्स नेशनल रेसलिंग का, वो भी रद्द कर दिया गया है। तो रेसलर्स के जो अलग अलग आरोप है जो उनका वर्जन है मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। तो विनीश फोकाट से शुरू करते हैं। विनीश फोकाट ने कहा भारत के लिए कई मेडल लाने वाली विनीश फोकाट, जो जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो मीडिया से बात करी थी। और वो अकेले नहीं थी, भारत की और भी महिला पहलवान उनके साथ बैठी थी। उन्होंने बृजभूषण सरन सिंह और उनके संघ के जुड़े जो कोच रेफरी हैं उनके खिलाफ आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। उन्होंने कहा है कि ये खुद यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के 10 से 20 केसों के बारे में जानती हूँ, यहाँ पर नाम नहीं ले सकती जो खुद सामने नहीं आएंगी, उनकी लाइफ डेंजर जोन में नहीं डालूंगी नाम लेकर के। बहुत कोच और रेफरी ऐसे हैं जो कर रहे हैं ये सब, जब हाई कोर्ट हमें निर्देश देगा तो हम सभी सबूत जो है वो पेश करेंगे। हम पीएम को भी सभी सबूत सौंपने को तैयार हैं, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती हम धरने पर बैठेंगे, किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा, ये कहना है विनीश फोकाट का। साक्षी मलिक ने कहा है कि जो विनीश ने बताया आपको वो बिल्कुल सही है, कैसे हुआ कब हुआ सब बताएंगे। जब एक खिलाड़ी एक दिन भी छोड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पूरे फेडरेशन को हटा देना चाहिए ताकि नए पहलवानों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। एक नया संघ अस्तित्व में आना चाहिए, निचले स्तर से गंदगी जो फैली हुई है उसे हमें हटाना चाहिए। हम पीएम और गृह मंत्री से बात करेंगे, पूरे मसले पर जानकारी देंगे, कुछ मामलों में जाँच होनी चाहिए। ओलंपिक जो पदक विजेता है बजरंग पूनिया, एक बड़े सम्मानित नाम है और बड़ा ग्लोरी दी है भारत को। उन्होंने कहा कि यहाँ की लड़कियाँ सम्मानित परिवारों से हैं, अगर हमारी बहन बेटियाँ असुरक्षित नहीं है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम मांग करते हैं कि महासंघ को तुरंत तत्काल प्रभाव से बदला जाए। बजरंग पूनिया ने यह भी कहा कि यहाँ जो लड़कियां हैं वो मेहनत कर रही हैं और इस तरह की जो बातें आती हैं वो डेफिनेटली भारत की जो रेसलिंग है उसका नाम जो है गलत छवि पर डालती, गलत 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 डायरेक्शन में लेकर जाती है। बजरंग पूनिया ने ये भी कहा आगे चल करके कि ये जो करंट मैनेजमेंट उसको हटाना पड़ेगा आपको, और मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे भी जाकर के मिलूंगा और ये सारी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा। बबीता फोकाट ने भी समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि मामले में अपने सभी साथी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ, मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार से हर स्तर
आधार पर हम इस विषय को उठाने का काम करेंगे और खिलाड़ियों की भावनाओं के अनुरूप ही आगे उनका भविष्य तय किया जाएगा। अब ये जो आरोप लगाया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, सिरे से सारे आरोप को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सच हुआ तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, आप मैं ओपन इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मुझे फांसी के तख्ते पर भी लटका सकते हैं। ये कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं। इसी विनेश फोगाट को जब वहाँ उस ओलंपिक में, वहाँ जिसमें इसका चोट लगी थी रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। अब ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, क्या बेसिकली इस पे सबूत निकल कर आता है। अगर आप डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स की माने तो पुलिस और सीबीआई जो है उसकी जांच कर सकती है आगे चल करके, जैसे जैसे ये केस और ज़्यादा गंभीर होता जाएगा। इसमें अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है। एक तो सेक्सुअल एलिगेशन जो लगाए गए हैं, अभी तो कुछ प्रूफ हुआ नहीं है लेकिन एक वर्जन है सेक्सुअल एलिगेशन का। दूसरा वर्जन ये भी हो सकता है कि खिलाड़ी की हो सकता है कि प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की तरफ भी कोई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होगी और वो चाहते होंगे कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो उनको परमिशन दे कि वो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप में जो है उसके इनिशिएटिव्स में भी जुड़े, उन कंपनीज के साथ भी टाई अप करें। एक मनी का भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने भी कहा था कि जो उनको प्रॉमिस किया गया था टाटा की तरफ से टूर्नामेंट जीतने के बाद, उसके बाद वो चीज़ उनको मिली नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज बेसिकली अनाउंस कर देते हैं डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में कि हम जो ओलंपिक्स मेडल जीत कर आएंगे उनको ये देंगे, उनको वो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती, हर प्रोमिसज डिलीवर नहीं होते। तब इस पर भी कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में। और बृजभूषण शरण सिंह के बहुत सारे किस्से भी है। पहले जो एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें एक रेसलर के साथ कुछ कहासुनी उनकी हो गई थी, तो ये भी देखना होगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट आता है। हम आपको अपडेटेड रखेंगे सब पे। इसको थोड़ा सा लंबा करने का मकसद ये था कि हम आपको हर चीज़ संक्षेप में समझा पाएँ, हर वर्जन जो है वुमेन रेसलर्स का वो समझा पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय फॉर नाउ।